केंद्र मंत्री ने कई कारखाने रेलवे के यहाँ 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, कुलियों को परमानेंट किया, कुल्हर किया, हर बजट में किराया भाड़ा जो होता था उसको कम किया, गरीबों के लिए गरीब रथ निकाला, बिहार के लिए कई स्पेशल स्टेशन हॉल से लेकर के कई ट्रेनें दी। तो ये काम तो बताना पड़ेगा ना कि भाई काम पे ना वोट मिलेगा। 400 की बात कर रहे हैं, वो चाहे तो 500 पार भी बात करें, 1,000 भी करें, भाई उनका मुंह है, वो उनकी बात है। लेकिन हम तो भाई जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो जनता की बात है, उसी को हम कहेंगे। तो बिहार जो है, हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, बिहार जो है भाई। तो दिशा दिखाया है हमेशा। इस बार भी मुख्यमंत्री जी चले गए हों, लेकिन बिहार की जनता वहीं खड़ी है। मुंबई जा रहे हैं आज, न्याय यात्रा बॉम्बे में है। राहुल गांधी जी ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया था, तो आज हम लोग जा रहे हैं। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? नीचे, और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? 70 दिनों के अंदर 2,00,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा, एक पेपर लीक हुआ तो बता दो। लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक, भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, हर जगह। अब बिहार में तो गजबे हो गया, एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर है। तो हम तो चाहेंगे कि इस बात को आप लोग भी समक्ष जो है रखने का काम। सीट बंटवारा कब तक हो जाएगा सर? सीट बंटवारा कब तक हो जाएगा? बोले तो हो जाएगा।